उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने एनेक्सी भवन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि रामनवमी का पर्व सकुशल संपन्न हुआ है, जिसकी सभी प्रदेशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव, नगर निकाय चुनाव को लेकर कौन से कार्यकर्ता कौन से क्षेत्र में किस तरह का काम करेंगे, उसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी से बात हो गई है। यह चुनाव छोटा है, कार्यकर्ताओं का चुनाव है। पार्टी इसीलिए बनती है कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और लड़ाया जाएगा। उन्होंने कि किसी भी पार्टी को चलाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए और एक कार्यालय चाहिए। हमारी सदस्यों की संख्या बढ़ी है। 13 जनवरी को संकल्प दिवस मनाया गया। निषाद राज जयंती को प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग ने धूमधाम से मनाया है। निषाद राज भगवान राम के साथ त्रेता युग में निषाद राज के साथ पढ़े थे, उनके मित्र थे और निषाद राज ने गंगा पार करवाया था और अपनी सेना दी थी, जिसकी वजह से भगवान राम ने जीत हासिल किया था। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, आज के इस बीते हुए ऐतिहासिक रामनवमी के अवसर पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, शुभकामनाएं हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज की समीक्षा बैठक को लेकर है कि जो नगर जो चुनाव है नगर निगम के, नगर निकाय के, उसमें कार्यकर्ताओं का कौन से कार्यकर्ता किस क्षेत्र में मजबूत है और लड़ सकता है, जीत सकता है, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी से बात होगी। क्योंकि ये छोटा चुनाव है, कार्यकर्ताओं का चुनाव है, पार्टी इसीलिए बनी जाती है कि चुनाव लड़ा जाएगा और लड़ाया जाएगा। तो ऐसे में इन कार्यकर्ताओं के सहारे हम पता करना था कि हम कहाँ किस स्थिति में हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में हैं। हमें सब एक एक वोट जहाँ भी कमल लगेगा वहाँ डालना है, और कहाँ निषाद पार्टी लड़ेगी वहाँ। तो आज के इस गोरखपुर परिक्षेत्र के कार्यकर्ताओं का ये एक तरीके से कार्यकर्ता बैठक था। हमारा इस सत्र में एक जो है वो चल रहा सदस्यता अभियान चल रहा, उस सदस्यता अभियान को भी इन्हें बताना था कि भाई जो किसी भी पार्टी को चलाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए, सदस्य चाहिए, कोष चाहिए, कमेटी चाहिए, कार्यालय चाहिए, कार्यक्रम चाहिए, ये सारे कुछ के जो आवश्यकता है वो हम खुद अपने लोगों के माध्यम से पूरा करते हैं। तो हमारे सदस्यों की संख्या जो टारगेट दी गई है उसे हम पूरा कर रहे हैं। और इन्हें बधाई देना था कि हम अभी इस तरीके से 13 जनवरी को हम संकल्प दिवस को ऐतिहासिक रूप से मनाए थे, उसी तरीके से हम लोगों ने अभी इलाहाबाद में सिंगवरपुर धाम में 25 तारीख को भगवान राम का जन्म नवमी को हुआ था और निषाद राज का जन्म उनसे 4 दिन पहले हुआ था, पंचमी को, निषाद पंचमी को। उस निषाद पंचमी के दिन अभी पूरे प्रदेश के लोगों ने निषाद राज के लिए पर बहुत ऐतिहासिक भव्य जयंती मनाई है। मैं सरकार को बधाई देता हूँ कि पहली बार है, 10 साल से मैं लगातार मना रहा हूँ, पहली बार है सरकार ने खुद उस जयंती को सांस्कृतिक विभाग के द्वारा मनाया, और सांस्कृतिक विभाग में भगवान राम और निषाद राज के उस चित्रण को जो कभी त्रेता में एक साथ गले मिले रहे थे, एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, त्रेता में वहाँ भगवान राम रात बिताए थे, निषाद राज ने गंगा पार कराया था, चित्रकूट में जाकर सेना दिया था, और उस सेना से निषाद राज की सेना से जो आगे रावण राज खत्म हुआ था, इस पर वहाँ सांस्कृतिक झांकी थी, गायन था, वादन था, सब था। और किला पर पहली बार है कि हजारों करोड़ तो दिया गया था, पहली बार है कि 20 करोड़ का वहाँ निषाद राज ऑडिटोरियम बनेगा, जिसमें हम भव्य म्यूजियम बनाएंगे, और उसमें भगवान राम और निषाद राज के हाथ में जब सत्ता थी तो कैसे इस देश में, दुनिया में कैसे सुख था, कैसे गुरुओं का देश था, कैसे सोने की चिड़िया कही जाती थी, कैसे धन्य धान थे, क्या सिस्टम था, टेक्नोलॉजी कैसे था कि पूरी गंगा को वहाँ हाइड्रोलिक सिस्टम से साफ करके पानी भेजते थे। तो उस समय का जो युग था और जो ऐतिहासिक युग था उसे हम लोग उस 20 करोड़ के ऑडिटोरियम में हम लोग दिखाएंगे। तो उसी को सरकार का धन्यवाद देना था, कार्यकर्ताओं को बधाई देना था, और इस आगे चुनाव की तैयारी थी उसी के संबंध में हमारा एक था। दूसरा, आज मेरी एक जान ही रहे हैं कि कसरवल कांड में एक हमने एक हमारे लोगों ने अपना अपने हक शिक्षा के लिए हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें पिछली सरकारों ने किस तरीके से हमारे निषादों पर, हमारे कार्यकर्ताओं पर अन्याय किया था, और उसी अन्याय में मेरे हमारे ऊपर और हमारे साथियों के ऊपर किस तरीके से बर्बरतापूर्वक जो है कार्रवाई की थी और फर्जी मुकदमे लगाया था। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान लिखा उस पर हम विश्वास करते हैं, हम लोग संविधानवादी हैं, और उस पिछली सरकार ने जो काम किया था
जिस तरीके से हमारे साथ अन्याय हुआ था, हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई, 302 का मुजरिम बनाया गया और तमाम मुकदमे लिखे गए, उसमें एक मुझे एक राष्ट्रीय कवि की कहावत याद आती है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। उसी तरीके से आप देखे होंगे कि उस तरीके से कार्रवाई करने का जो बेकसूर निषादों को फंसाने की कोशिश की गई थी, उसका क्या हश्र हुआ सब जग जाहिर है। हम न्यायालय पर विश्वास करते हैं, निश्चित रूप से हमें हमारे साथियों को न्याय मिलेगा और निश्चित रूप से जब भी न्यायालय हमें याद करेगी, हमें करेगी, हम पेश होते हैं। आज भी हमारे लिए आज न्यायालय का हमारी तारीख थी, मैंने पेश हुआ था। हम धन्यवाद देते हैं न्यायालय को कि हमारे साथ जो भी जैसा होगा वो न्याय देंगे हमें, और हमें न्याय पूरी उम्मीद है न्यायालय पर कि जो भी करेंगे हम उसके लिए हम आप तैयार हैं, हम धन्यवाद देंगे। हम लोग न्याय पर भरोसा करते हैं, संविधान पर भरोसा करते हैं और सब कुछ है, और निश्चित रूप से आगे की हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। इस पूर्वांचल जो है गोरखपुर एक जड़ है निषाद पार्टी की, तो हम इसे हमेशा विचारों से सींचते रहते हैं कि विचारधारा थी, ये विचारधारा है कि द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। इस लोकतंत्र में असली भगवान जो है वोटर है। गोरखपुर का क्षेत्र है, यहाँ हमारे मछुआरों की संख्या अधिक है, यहाँ मच्छेदनाथ की धरती है, गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि है, यहाँ एक ऐतिहासिक धरती है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जब से वो आए मंत्री बने हैं तब से इस गोरखपुर का एक सर्वांगीण विकास हुआ है। हम अपने विभाग को बताते हैं कि हमारे विभाग में भी बहुत कुछ है, जो बजट के बारे में कुछ हमने बोला था तो उस पर मैं धन्यवाद दूंगा कि वित्त विभाग ने तैयार हो गए हैं कि उसे सप्लीमेंट्री में बजट दे देंगे। तो अब पिछले साल का 25 करोड़ मछुआरों को हर तरह का मकान है, जो उनके लिए सामुदायिक भवन है, जो उनके लिए चिकित्सा है, विवाह का है, जो उनके दैनिक आपदा का है, मृत्यु पर पढ़ाई का है, कोचिंग सेंटर का है, उनके अपलिफ्टिंग का है, उन्हें कोचिंग देने का, ऋण माफ करने का, ये जो 12 प्रकार का इनका स्किल डेवलपमेंट करने का, व्यापार सिखाने का, इनके हम अपने से अभी 3,000 राय हम देंगे किसान राय वोट योजना में हर साल देंगे। इस बार मुख्यमंत्री जी ने फिर 5 करोड़ दिया, 7 करोड़ देंगे। हमारे मुख्यमंत्री संपदा योजना में 2 करोड़ था, 10 करोड़ है, 12 करोड़ आए हैं। तो ये हम 257 करोड़ 50 लाख रुपये प्रधानमंत्री पद संपदा इस मछुआ समुदाय के चारों तरफ से हम इस तरह से विकास करने के लिए काम कर रहे हैं, उसमें हर क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं कि आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी अलग नहीं है, जहाँ वो लड़ते हैं हम उनका पूरा समर्थन करते हैं, हम जहाँ लड़ते हैं वो पूरा हमारा समर्थन करते हैं। वो अब देखो, अब जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता हैं, अभी क्योंकि आरक्षण लिस्ट अब आई है, आरक्षण लिस्ट के बाद जहाँ जो फिट बैठता है उसके हिसाब से बैठक होगी। अभी मंडली बैठक हम कर लेंगे, मंडली बैठक के बाद जब प्रदेश में आएंगे तब हम तय करेंगे कहाँ से हमारी पार्टी के कौन कौन उम्मीदवार होंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी को देंगे। बातचीत हो गई, भारतीय जनता पार्टी ने आश्वस्त किया कि हम दोनों पार्टी मिलकर इस चुनाव को जीतेंगे। क्योंकि आज के दिन में हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि भारतीय संविधान, भारतीय सभ्यता और भारत के विकास के लिए, भारत के नागरिकों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। निचले पावदान पर रहने वाले लोगों को अपलिफ्ट करके हमें उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाना है। ऐसी परिस्थितियों में जो सब्जेक्ट, जो विषय जरूरत है, अलग अलग मंत्रालय बने हुए हैं, सरकार समीक्षा करती है, उसके लिए तमाम रूस है। नई शिक्षा नीति के लिए मैं बधाई दूंगा माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को, कि नई शिक्षा नीति के तहत और शिक्षा में गुणवत्ता की वजह से हम प्राइमरी में भी देखिए बैकआउट कम हो गए हैं, आपने देखे यूनिवर्सिटी में हम लोग कैसे नंबर 1 पर आ रहे हैं ग्रेडिंग में, और के हर क्षेत्र में जो शिक्षा का है, कृषि क्षेत्र में है, पशुधन क्षेत्र में है, हम टेक्नोलॉजी के लिए है, आज के दिन में हम उसके जो है फिशरीज के सेक्टर में है, एग्रीकल्चर के हर सेक्टर में हम पढ़ा कर, इंजीनियरिंग सेक्टर, मेडिकल क्षेत्र में है, हर जिले, तो जो शिक्षा जो ज़रूरत है इन बच्चों के लिए वो हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है, और जो रिसर्च में आता है जो कमेटी पास करती है उसमें हम लोग कैबिनेट पास करते हैं। क्या लगता है जो नया चीज़ जोड़ने की आवश्यकता है यूपी बोर्ड के अध्ययन में? निश्चित रूप से जैसा भी होगा, हम जहाँ मोदी जी, योगी जी हैं, अमित शाह जी हैं, वहाँ हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।